और माता-पिता से झगड़ते रहते हैं माता-पिता की बात नहीं सुनते हैं ऐसे लोग भी केवल अंगूठी को पहन लेकर भी अगर एक वर्ष तक अपने घर में रहते हैं तो वो बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे उनमें अच्छे सद्गुण आएंगे अपने माता-पिता का विनय अपने माता-पिता के साथ सद्भाव से सद्भक्ति से रहेंगे जैसे वाल्मीकि जैसा डाकू ही बदल सकता है अगर वो धारण करते हुए तुलसीदास जी जैसे काम मोहित अपने भक्ति से प्रेम करने वाले ही रामायण में बदल सकते हैं तो केवल अंगूठी धारण करके भी हम नाथ संप्रदाय में कहा गया है कि वो अंगूठी धारण करने वाला विद्यावान यशवान कीर्तिवान बन सकता है। मैं ये बात विशेषता इसलिए कह रहा हूं ये बसंत पंचमी का दिन है जो लोग गुरु कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को ये अंगूठियां लेकर आज इसके बाद अंगूठियां नहीं बनेगी शायद ये वसंत पंचमी का वो माघ मास का वो दिन है मुझे जो प्रेरणा मैंने अभी आपको इससे पहले कहा ये विद्या नहीं देनी चाहिए दिया हूं और इसको जो अपने आपके लोग हैं जो अपने माता पिता को सताते हैं और आप गुरु कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए केवल ये अंगूठी पहनने के लिए दे दो और उसका आप फल देख सकते हैं रिजल्ट देख सकते हैं इसलिए मैं वासर को त्रिपाठी सर को देशों को जो गुरु कार्य कर रहे हैं वो लोग 10-15 अंगूठियां लेकर उन बच्चों में बांट दो जो उनके माँ बाप को सताते हैं पढ़ते नहीं क्योंकि वो गुरु कार्य कर रहे हैं मेरी ओर से उनको देना चाहता हूँ इसलिए कि वो लोग अब यहाँ के आयोजक हैं हमारे सबसे बड़े कुरुवृत्त आयोजक हैं हम पृथ्वीराज जी उनके गोल जितने भी हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करके उल्टा वो भी पीते हैं मुझे भी पिलाते हैं मैं चाहता हूँ कि वो अंगूठी उनको पहना दें और देखें कि उसका रिजल्ट किस तरह होता है मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि बाद में ये अंगूठियाँ नहीं बनेंगी और न दिया जाएगा उन बच्चों के लिए भी इस अंगूठियों को ले लें अब मैं आपको साधना बोलता हूँ यंत्र आपके सामने रख लें यंत्र में लिखा हुआ है कि एक कमल की पंखुड़ी नहीं मिलती है तो कमल बीज को यंत्र के ऊपर रख दे और अपने अनामिका के अंगूठी का एक रक्त का अपने यंत्र को लगा दे मंत्र को 11 बार बोले और ध्यान बोलने के बाद मंत्र 11 बार बोलकर उस स्तोत्र का एक बार पाठ करें अगर आपके आपके बच्चों को विद्यावान बनाना चाहते हैं श्रेष्ठ पढ़ाना चाहते हैं और उनकी श्रेष्ठता देखना चाहते हैं तो जरूर इस अंगूठी को पहनाए आप साधना आरंभ करने से पहले मैं ध्यान और मंत्र पढ़ता हूँ मेरे साथ बोलें मैं पहले ध्यान पढ़ता हूँ ध्यान नहीं बोलना है केवल मंत्र बोलना है देवी पन्नग भूषिताम हिमरजिम शीतांश शंख प्रभाम भक्ता रत्न प्रेत कंठ वलयाम रक्ताम्रम विप्रतिम शूलवकाश गदाधराम सुरगणय वैकुंठ मुखेस्तुताम नित्यम लोक त्रयेक रक्षण पराम तारांत नेत्राम भजे मंत्र मेरे साथ आप बोलो ओम ऐ ह्रीं स्त्रीं क्लीं सौः हुं उग्रतारे हुं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौः हुं उग्रतारे हुं फट ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं क्लीं सौः हुं उग्रतारे हुं फट इस मंत्र को केवल 11 बार या एक माला यंत्र के सामने संपन्न करो उसके बाद स्तोत्र पढ़ो स्तोत्र में अथोच्यते महादेवी तारिण्याम स्तवमुत्तमम है स्तनमुत्तमम पढ़ा है स्तव पढ़ना है उसको ओम धार रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तेभ्यो वर्णे देवी त्राहिमाम शरणागतम सुरासुराचिते देवी सिद्धवंतरव सेविते जाट्य पाप हरे देवी त्राहिमाम शरणागतम जटायुक्त समायुक्त लरज्जिवे भयंकरी कृत सिद्धि करे देवी त्राहिमाम शरणागतम सौम्य रूपे क्रोध रूपे चंड रूपे नमस्ते सृष्टि रूपे नमस्ते त्राहिमाम शरणागतम जड़ानाम जड़तां हंसि भक्तानां भक्तवत्सले मूढतां हरवे देवी त्राहिमाम शरणागतम हुं हुंकार में देवी बलिहुं प्रिय नमन उग्रतारे नमस्तुभ्यं त्राहिमाम शरणागतम बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूकत्वं हर मे देवी त्राहिमाम शरणागतम इंद्रादिवृंदवंदिते प्रणामे तारे ताराधिनाथास्ये त्राहिमां शरणागतम अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां च पठेन्नरः षण्मासे स्थितिमाप्नोति नात्र कार्य विचारणा
मोक्षाकृते मोक्षप्राकृते इदं विद्याकृते विद्याकृते व्याकरणादिकम् इदं स्तोत्रं पठेत्यस्य सततं भक्तितत्परः तस्य शत्रुक्षयं याति महा प्रज्ञा च जायते पीडायां वापि सङ्ग्रामे जात्यवादे तथा वे पीठे वा यदि वा ग्रामे दाने जप्ये तथा मे ये इदं पठति स्तोत्रं स्वं तस्य न संशया स्तवनानि देवेशि प्रणमेत् भक्ति भवतः योनिमुद्रां दर्शयित्वा वर प्रार्थनाम् एव च योनिमुद्रा दर्शाते माता उग्रतारा को शारदा देवी को प्रार्थना करें कि मुझे वह बुद्धि यश सब कुछ प्रदान करेंगे। आपकी साधना होने के बाद आपके सामने जो फल है वो या आपके सामने जो भी आप निवेदन रखा है वो अपने गुरु को समर्पित करेंगे। साधना होने के बाद गुरु के सामने गुरु को लाकर दे देंगे और साधना संपन्न करें उसके बाद में आपको इस मंत्र की होम की आहुतियाँ 11-11 डलवाता हूँ जिससे ये मंत्र सिद्ध हो और आप यहाँ से सिद्ध होकर ही जाए, ये मेरी इच्छा है। आप जब अंगूठी पहनेंगे आप अनुभव करें कि आपके घर में शांति है, आपका बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है, आपकी वाणी सिद्ध हुई, आपकी वाणी में सरस्वती कंठ में सरस्वती बैठी हुई है और वो आपको अच्छी वाणी प्रदान करें। आपकी वाणी को सुनकर आगे के लोग मुक्त हो और वे लोग आपकी वाणी को सुनने की क्रिया करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप मंत्र जप करने के बाद उदय महाराज को शिष्य महाराज बुलाता हूँ, अग्नि प्रज्वलित करें, उसके बाद आहुति का द्रव्य आयोजकों को बोला हूँ वो 11 आहुति दे, उसके बाद फिर पूजा होगी सरस्वती माता की और आरती संपन्न करेंगे। आप एक माला या 11 बार मंत्र का उच्चारण करके मंत्र पूर्ण करो। मंत्र पूर्ण होने के बाद आरती होने के बाद मुझे फल लाके दो जो आपके सामने रखा हुआ है।